Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Welcome on board the Jaffrey Apprentice. I'll give one out of. Hey guys, Madhur again, and today I'm at Chao Phraya River, and this is Chao Phraya River Princess Cruise. They are one by one. Okay, Abraham, say chalo. Dire chalo, dire chalo. Dire chalo. यहाँ आने के लिए आपको आइकन सी एम मॉल आना है. आइकन सी एम मॉल बैंकॉक के हार्ट ऑफ द सिटी है. आप बहुत इजीली टैक्सी लेके आप आ सकते हैं यहाँ पे. आइकन सी एम मॉल की जो बैक साइड है वहाँ पे ये सारे पियर्स हैं. पियर 1, 2, 3, 4, 5 जो मैंने क्रूज़ लिया है वो लिया है पियर 4 से. प्रिंसेस रिवर क्रूज़ 4. तो ये पियर 4 से है. यू कैन सी अभी कितनी भीड़ है यहाँ पे. बिल्कुल इन्होंने मैनेज ठीक ठाक तरीके से किया है. लगेज हियर ओनली, नो टैग. सर, जो डेक के सिलेक्शन की चॉइस है वो आपको बुकिंग के टाइम पे मिलेगी. तब आप ऑप्ट इन कर सकते हो कि आपको अपर डेक लेना है या लोअर डेक लेना है. दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको इस पूरे वीडियो के अंदर समझ आ जाएगा. बट टुवर्ड्स द एंड मैं इसके बारे में स्पेसिफिकली बताऊंगा भी एंड अपनी पर्सनल प्रेफरेंस भी बताऊंगा. यहाँ जो सीट कॉन्फ़िगरेशन है वो 8x8 है. आप चाहे लेफ्ट वाली लो, राइट वाली लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इवेंचुअली ये सर्कुलर राउंड में चलता है तो आप कोई व्यू मिस नहीं करोगे. तो जो ओरिजिनल टाइम था गाइस वो था 8 o'clock, बट ये ऑलरेडी 15 मिनट्स लेट है. एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम द इनर डेक. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग. वेलकम ऑन बोर्ड द चाओ फ्राया प्रिंसेस. पुट बोथ ऑफ योर आर्म्स अंडर द ब्लैक बेल्ट एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ योर शेफ. वी होप यू एंजॉय द अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द पैनोरामिक बैंक ऑफ लैंडमार्क्स. तो मिक्स फ्रूट जूस, सम च्युइंगम टाइप फ्लेवर, नॉट ड्रिंक्स चार्जेबल. ओके, सो एनीथिंग इंक्लूडेड इन द टिकट? ओनली बुफे. ओनली बुफे. न्यू बुफे जो है वो क्रूज़ के स्टार्ट होते ही शुरू हो जाता है. एंड आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हंगरी पीपल एक साथ यहाँ पे हम आ गए हैं बिकॉज इवेंचुअली हमें पैर रखने की भी जगह नहीं मिली थी. तो वी वेटेड फॉर 10 to 15 मिनट्स. जब एक पूरी की पूरी भीड़ सेटल हुई थी तब हमने जाके बुफे खाना शुरू किया था. सो लेट मी टेक यू टू द अपर डेक नाउ. उस वहाँ से क्या व्यू है वो भी आपको दिखाऊँ. अपर डेक में फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों ओपन है. आप कहीं पे भी जा सकते हैं. जो बैक साइड है वहां पे आपको स्मोकिंग जोन मिल जाएगा. अगर मैं कॉस्ट की बात करूं के लिए और क्रूज के 2 घंटे की जर्नी के लिए, एज एन एडल्ट आपको 1500 बात और एज अ किड आपको 800 बात देने हैं. इस क्रूज पे ये सारी एक्टिविटीज और परफॉर्मेंसेस को आप एंजॉय कर सकते हैं. सो आइटम्स तो टेस्ट कर लेते हैं. सो स्टार्टिंग विथ सूप, ठंडा है टेस्ट, ओके टाइप्स. फ्रेंच फ्राइज ठंडे पड़े हैं. समोसा एंड देयर इज अ ग्रीन चटनी एंड समोसे का टेस्ट इज गुड बट ठंडा पड़ा है. बाद में ना आपको वो लगेगा जैसे पुराने मटर रखे हुए की जो टेस्ट आता है ना वो वाला टेस्ट है. तो आई वॉन्ट से ओके. आलू चाट, कोल्ड आलू चाट, पता नहीं क्या है. पकौड़े आलू प्याज के, मतलब ऐसा लग रहा है फ्रीजर से निकाल के लेके आए हूँ. तो गाइस अभी तो मेन कोर्स लिया नहीं, स्टार्टर्स में ही अगर मैं बात करूँ
I'll give 1 out of 5. Like pizza. Pizza के अंदर जो last का part होता है वैसे ही है. अच्छा बना बनता है इससे और ये डेजर्ट है इनका. I think दाल चावल the safest bet because उसके अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे. So gone for दाल चावल with some नींबू and salad. The taste is very okay, very okay. खाने के बाद अब मैं निकालने की बात करूँ तो yes, toilets are pretty clean here. So for 200 baht. And before the final verdict, let's talk about the choice of deck. ऊपर वाला deck लेना है या नीचे वाला deck लेना है? ये वैसे आपकी personal choice है. लोअर डेक में जो बेनिफिट आता है यहाँ पे आपको एसी सीट्स मिलेंगी. कंसिडरिंग जो बैंकॉक का ह्यूमिड वेदर है उसमें आपको एक कंफर्टेबल एसी सीट आपकी रिजर्व है वो मिलेगी. अपर डेक में डेफिनेटली आपको व्यू बेटर मिलेगा एंड फ्रेश एयर मिलेगी वहाँ पे. मेरी जो पर्सनल चॉइस है मेरे हिसाब से लोअर डेक इज़ मच बेटर जो हमने लिया था. रीज़न बीइंग आप कभी भी ऊपर नीचे कर सकते हो. ऊपर जाके व्यू ले लो, थक जाओ तो वापस नीचे आके आप एसी में अपने बैठ सकते हो. जबकि ऊपर वालों को ये ऑप्शन नहीं है. ऊपर वाले जो बैठे हैं वो ऊपर ही बैठे हैं, वो नीचे नहीं आएंगे क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा करने के लिए. सो नाउ द फाइनल वर्डिक्ट व्हाई यू नो यू शुड स्पेंड अराउंड 3,000 to 4,000 रुपीज. दैट्स अ क्वेश्चन प्रॉब्ली यू नीड टू आंसर, बट आई कैन गिव यू सम व्यूज एंड माई ओपिनियंस जिससे आप डिसीजन मेकिंग ईजीली कर सकते हो. डेफिनेटली द व्यू इज़ अल्टीमेट. परफॉर्मेंस इज़ एवरेज और बिलो एवरेज है. कोई बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस नहीं है. बैंकॉक इज़ फेमस फॉर नाइट लाइफ, तो डांस फ्लोर आपको जहाँ जाओगे वहाँ मिल जाएगा, बेटर म्यूज़िक मिल जाएगा. फूड तो भाई पूछना ही हॉरिबल है. एंड सबसे बड़ी बात और जो आती है इस क्रूज़ की, जो ओवरऑल लेंथ है वो है अराउंड 2 आवर्स. बट आपको ना एक टाइम के बाद लगेगा कि वाई यू नो आई एम स्टिल देयर ऑन द क्रूज़. मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ घर, मेरे को घर ले चलो टाइप्स. तो वो एक आपको देखना है. 2 घंटे का तो क्रूज़ है, प्लस उसके बियॉन्ड क्या है आपको 1 घंटा पहले वेटिंग है. एंड उसके बाद जहाँ आप और बैंकॉक आप कोर सिटी में जाना चाहोगे तो आपको 1 घंटा और लगेगा. तो आपके 5 घंटे से 6 घंटे तो इवनिंग में चाहिए इस क्रूज़ की एक्टिविटी को कम्प्लीट करने के लिए और वापस होटल जाने के लिए. तो ये कॉल आपको लेनी है कि आप इस क्रूज़ में आओगे या नहीं आओगे, या आप ये 1500 baht स्पेंड करोगे या नहीं करोगे. सो दैट्स इट गाइज. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू गिव इट अ थम्स अप, डू शेयर इट विद योर फेलो को ट्रैवलर्स. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट, बिकॉज अभी मैं थाईलैंड की पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ एंड डेफिनेटली इट कैन हेल्प यू इन प्लानिंग योर थाईलैंड ट्रिप. ओके मधुर signing from Chao Phraya River, Bangkok. Bye-bye.